तो बढ़िया सा तड़का लग चुका है हमारी करी पत्ता और मूंगफली की चटपटी चटनी में। ये चटनी बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बिल्कुल कम सामान में झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए आज की मज़ेदार चटनी की रेसिपी देख लेते हैं कैसे बनाया है मैंने इसे। तो कढ़ाई में सबसे पहले हम लेंगे मूँगफली। मैंने एक कटोरी मूँगफली ली है, इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। तो मूँगफली हमारी भून के तैयार हो गई है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूँगफली हमने प्लेट में ले ली है और थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया है, तो हाथों से मसलते हुए हम इसका सारा छिलका उतार लेंगे। आप इस तरह से छिलका निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो मसल मसल के सारा छिलका हम उतारेंगे और देखिए मूँगफली हमने साफ़ कर ली है छिलका निकाल के। थोड़े थोड़े मूँगफली बाकी रह गए छिलके वाले, पर कोई बात नहीं, इतना चलता है। और हमने मिक्सर का जार ले लिया है, सारी मूँगफली को हम उसमें डाल देंगे। आप इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इसे बनाना बहुत आसान है। जीरा डाल देंगे एक चम्मच मूँगफली में, 6-7 कली लहसुन की डाल देंगे और अदरक डाल देंगे इसके साथ हम, हरी मिर्च भी डाल देंगे। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से कम ज़्यादा मिर्च कर सकते हैं। और खूब सारी करी पत्ता यानी मीठी नीम की पत्ती भी डाल देंगे, सारा फ्लेवर इसी से तो आएगा। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला है। अब हम इसे पीस लेंगे अच्छे से। तो चटनी हमारी देखिए तैयार हो गई है पीस करके। मैंने बीच बीच में थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल और किया था, इसीलिए पतली सी चटनी बनके तैयार हुई है। तो इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये मेरी छोटी सी कढ़ाई है, इसमें मैंने सारी चटनी को निकाल लिया है। ये देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन है नहीं। तो इसमें अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का पैन गरम हो गया है, इसमें हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल भी गरम हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, थोड़ी सी राई लेंगे और डालेंगे 2 लाल मिर्च और इसके साथ ही हम डाल देंगे करी पत्ता। बस तड़के में हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, हमारा आसान सा तड़का तैयार है। तो अब हम चलते हैं अपनी चटनी की तरफ। तो चटनी के पास हम आ गए हैं, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे फैलाते हुए। तो हमारी मज़ेदार सी करी पत्ता और मूंगफली की चटनी बनके तैयार हो गई है। आपने मूंगफली की चटनी कई बार खाई होगी, एक बार आप करी पत्ता मिक्स करके बनाइए, बहुत ही मज़ेदार चटनी बनके तैयार होती है। और इसे आप इडली, डोसा, उपमा हर किसी के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बिल्कुल कम सामान में हमने इसे बताया है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।